कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों, अक्सर ऐसा होता होगा जब आपको कोई अफवाह बताता होगा और आप भी उस अफवाह पर यकीन कर लेते हैं, जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेते हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि अगर उस अफवाह को नहीं सुना होता तो ये दिक्कत नहीं होती। चलो अब इसी से जुड़ा तुम्हें एक मजेदार सा किस्सा सुनाती हूँ। बहुत साल पुरानी बात है, एक बड़े से जंगल के किनारे पालमपुर नाम का गांव बसा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और गांव के लोग आराम से जीवन जी रहे थे। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था जहां गांव के लोग प्रतिदिन पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर के गेट पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी जिसे श्रद्धालु बजा करके मंदिर में घुसते थे। एक रात एक चोर चोरी करने के लिए गांव में घुस आया। चोर को गांव में कुछ नहीं मिला। जब चोर गांव से निकल ही रहा था तब उसकी नजर मंदिर की चमचमाती हुई घंटी पर पड़ गई। चोर ने बिना वक्त गवाए वो घंटी चुरा ली और जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में चोर बिना रुके बस भागता ही जा रहा था। भागने की वजह से घंटी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज जंगल में घूम रहे शेर के कानों में भी पड़ गई। अब शेर उस आवाज का पीछा करने लगा। गांव से लेकर के जंगल तक दौड़ते दौड़ते चोर बहुत थक गया था। सुस्ताने के लिए वो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। आवाज का पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। बस फिर क्या था, चोर को देखते ही शेर उस पर टूट पड़ा। चोर को तो शेर ने खा लिया मगर वो घंटी वहीं गिरी रह गई। अगले दिन बंदरों का एक झुंड उस जगह के पास गुजर रहा था। तभी एक बंदर की नजर उस घंटी पर पड़ गई। उस बंदर ने लपक कर उस घंटी को उठा लिया। उसी घंटी की मधुर ध्वनि बड़ी ही रोचक लगी। बंदर उस घंटी को अपने साथ ले गया। झुंड के सारे बंदर उसे खेलने लगे। अक्सर रात के समय में बंदर इकट्ठा होते और घंटी बजा करके आपस में खेला करते। रात के समय जंगल से आने वाले घंटी की आवाज को जब गांव वालों ने सुना तो उन्हें ये काफी अजीब लगा। गांव के लोग सोचने लगे, कहीं जंगल में कोई भूत प्रेत या आत्मा तो नहीं जो रोज रात को घंटी बजाती है। आखिर एक दिन सबने फैसला किया कि सब एक साथ निकल करके जंगल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि रात में ये घंटी की आवाज कहां से आती है। उन्होंने गांव के जवान हट्टे कट्टे लड़कों को तैयार कर जंगल में भेजा। जब वो लड़का जंगल में गया तो उसे झाड़ियों के पास चोर का कंकाल दिखाई दिया। कंकाल देखते ही लड़के ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो बिना कहीं रुके बस भागते हुए सीधा गांव पहुंचा। उसने गांव वापस आकर के बताया कि जंगल में कोई प्रेत आत्मा घूम रही है जो लोगों का खून करती है और उसके बाद घंटी बजाती है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में डर का माहौल हो गया। अब शाम होते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते। इस तरह खुद को बंद करके गांव वालों का काम तो चल नहीं सकता था, इसलिए बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके दूसरी जगह बसने लगे। जब राज्य के राजा को ये बात पता चली कि उस राज्य के गांव के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो आदमी जंगल में घूम रही प्रेतात्मा को वहां से भगा देगा और घंटी की आवाज बंद कर देगा उसे 1000 सोने के अशर्फिया इनाम में दी जाएंगे। राजा का यह ऐलान उसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी सुना। उसे विश्वास था कि प्रेत आत्मा की बात महज एक अफवाह है। एक रात वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। बुढ़िया उस दिशा में चलती गई जहां से उसे घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर के बाद उसे बंदरों का झुंड दिखाई पड़ा जो घंटी बजा बजा करके खेल रहा था। बूढ़ी औरत को रात में बजने वाले घंटी की आवाज का रहस्य पता चल चुका था। वो गांव वापस आई। अगले दिन वो राजा से मिलने पहुंच गई। बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज मैं जंगल में भटक रही प्रेत आत्मा को वहां से भगा सकती हूँ। राजा उसकी बात सुनकर के बड़ा खुश हुआ। बूढ़ी औरत बोली, महाराज प्रेत आत्मा को वहां से भगाने के लिए एक पूजा करनी होगी
और उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने बूढ़ी औरत के लिए धन की व्यवस्था भी कर दी, जिससे उसने कुछ मूंगफलियां, चने और फल खरीदे। गांव में मंदिर के परिसर में उसने एक पूजा का आयोजन किया। मंदिर के बाहर वहां एक गोला बना करके उसने खाने की सारी चीजें रख दी और भगवान की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद उसने खाने की सारी चीजें उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल पहुंच करके उसने एक पेड़ के नीचे खाने की सारी चीजें रख दी और छुप करके बंदरों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद बंदरों का झुंड वहां आया। उन्होंने जब खाने की ढेर सारी चीजें देखी तो घंटी को एक तरफ फेंका और खाने की तरफ दौड़ पड़े। बंदर बड़े मजे से मूंगफलियां, चने और फल खा रहे थे। इतने में मौका पाकर के बूढ़ी औरत ने घंटी उठा ली और राजा के महल आ पहुंची। घंटी राजा को सौंपते हुए बोली, महाराज वो प्रेत आत्मा ये घंटी छोड़ करके जंगल से भाग गई है। गांव वालों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजा बूढ़ी औरत की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। उसने उसे पुरस्कार देकर के विदा कर दिया। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी और वे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। जिस बात को आप मानने जा रहे हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करें। क्या पता हम जिस चीज को सुनकर के इतना डर रहे हैं वो सच भी है या नहीं। बच्चों, इस कहानी से हमें एक सीख ये भी मिलती है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो चलो, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक मजेदार कहानी के साथ।